हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है गांगली टेक पर और मैं हूँ संदीप गांगली। और इस वीडियो में आपको जो है सी का एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा जिसमें यूज़र जो है एक नंबर को इनपुट करेगा और ये प्रोग्राम बताएगा कि वो नंबर इवन है या ऑड है। इवन नंबर्स वो होते हैं जो कि आपके टू से डिवाइड हो जाते हैं, मतलब टू से अगर आप कोई एक नंबर को डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर अगर ज़ीरो आता है तो जो है वो हमारा नंबर इवन होगा, और अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा तो हमारा नंबर ऑड होगा। और हमें पहले ही, मैं आपके पहले पहले कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब भी हमें रिमाइंडर की ज़रूरत होती है तो हम मॉडुलर डिवीजन का ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे हम करेंगे। और जो है आपका इफ़ और एल्स स्टेटमेंट यूज़ करके कंडीशन चेक कर लेंगे और रिजल्ट आउटपुट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल में मैं खोलता हूँ, मैंने इसको सेव कर लिया, उसका नाम रख दिया इवन ऑड। और उसका मैं सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड करूँगा, उसके बाद मैंने अपना मेन फंक्शन बनाया, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का जिसका नाम मैंने रख दिया नम। और मैंने फिर यूज़र से कहा कि जो है आप एक नंबर एंटर करिए, एंटर यानी नंबर। इसका इनपुट लिया मैंने स्कैनफ के ज़रिए, परसेंटेज डी लगाया क्योंकि डेटा टाइप हमारा इंटीजर टाइप का है इसलिए एंड लिखा, नम लिखा। उसके बाद हमको कंडीशन चेक करनी है, क्या ये नंबर जो है अगर मॉडुलर डिवीजन हो, डिवीजन नहीं, अगर इसका मॉडुलर डिवीजन हो टू से और रिजल्ट जो है बराबर आए ज़ीरो के। और यहाँ पर रखिए, याद रखिए कि जब हम इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कोई कंडीशन चेक करते हैं इक्वलिटी का तो हम डबल इक्वल लगाते, सिंगल नहीं, तो इसीलिए मैंने डबल लगा, फिर हमें यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स लगाया और उसके अंदर मैं लिखूँगा कि अगर ये हो जाए, इसका मतलब जो हमारा नंबर है एंटर सेंटेंस डी इज इवन, अगर ये नंबर मतलब जीरो के बराबर हो जाए टू से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इसका, तो हमारा नंबर जो होगा इवन होगा। और मैंने इस नंबर को प्रिंट करा दिया, और अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स लगा देंगे और प्रिंट एफ लिख देंगे कि हमारा जो है एंटर नंबर इज ऑड, मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो नंबर ऑड होगा। और उसके बाद फिर रिटर्न जीरो कर देना है और हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया इवन ऑड को कैलकुलेट करने का। अब मैं इसे कंपाइल कर लेता हूँ, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, फिर मैंने इसे रन कर लिया, अभी पूछ रहा है एंटर एनी नंबर, तो मैंने 15 दे दिया और ये देखिए एंटर नंबर 15 इज ऑड। अब मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और कोई दूसरा नंबर लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया 4, तो यहाँ पर आ गया एंटर नंबर इज इवन। फिर से मैं रन करता हूँ और कोई बड़ा नंबर देता हूँ, 5, 6, 8, 7 देता हूँ, तो ये बता दिया कि इसने इवन ऑड। तो इस तरीके से जो आप सी में प्रोग्राम बना सकते हैं इवन ऑड पता करने के लिए। तो अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।